नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से सारी वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ अभी फ़िलहाल डिमॉन्स्ट्रेशन का, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो या फिर कोई मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है। यानी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारा इन्फ्यूज़न पंप है, जिसे सिरिंज पंप के नाम से भी जानते हैं, वो यूज करते हैं और इसका क्या काम है। तो सबसे पहले ये जो इन्फ्यूज़न पंप है, इसका काम यही होता है कि अगर किसी एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन में हमें पेशेंट को एकदम एग्जैक्ट जो है ड्रग्स का अमाउंट डिलीवर करना होता है, ठीक है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 1 ग्राम जो मेडिसिन या ड्रग है उसे हमें 1 घंटे में डिलीवर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिरिंज में उसे डाइल्यूट कर देते हैं और फिर इसमें सेट कर देते हैं और फिर पेशेंट को जो है पीएम लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी एक सिरिंज ले लिए, उसमें पीएम लाइन कनेक्ट कर दिए और उस पीएम लाइन को पेशेंट के वीगो से कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से धीरे धीरे टाइम सेट कर देते हैं इसमें, और कितना ml पर मिनट जाना है, कितना ml पर आवर जाना है वो सेट कर देते हैं और पेशेंट के बॉडी में वो जो ड्रग है वो डिलीवर होते रहता है। तो सबसे पहले ये जो इन्फ्यूज़न पम्प है उसे हम लोग ऑन कैसे करते हैं, तो यहाँ से ऑन करेंगे, इस तरह से ऑन हो जाएगा और फिर आवाज़ करता है, ठीक है। और यहाँ पे अलार्म के लिए होता है, ये अलार्म हम लोग यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। सिरिंज इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे 20 ml 50 ml सिरिंज ले लेना है। यानी 20 ml भी ले सकते हैं, 50 ml भी ले सकते हैं, जिसमें आपने ड्रग्स को डाइल्यूट कर रखा है वो ले लीजिए। फिर आपको यहाँ से इसे प्रेस करके ऐसे खोलना है, फिर यहाँ पे इसे सेट करना है, यहाँ पे सिरिंज लगा लीजिए, फिर यहाँ से बंद कर दीजिए और फिर यहाँ पे इसे लॉक कर दीजिए। इस तरह से सिरिंज जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर जो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है, देखिए, कम ज़्यादा जो भी करना है, यहाँ से अगर आपको ml बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो यहाँ से घटा सकते हैं। और ये जो है, देखिए, यहाँ पे बटन दिया हुआ है ग्रीन, यहाँ स्टॉप करना है। अगर आपको अब डिलीवर नहीं करना है कोई भी मेडिकेशन तो आप यहाँ से इसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और मेन्यू में जाके जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन और जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं और फिर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अलार्म जो है वो ऑफ़ हो जाता है और यहाँ पे सिरिंज को सेट करने के लिए स्पेस बनाया गया है। और देखिए, यहाँ पे ऑन ऑफ़ करने के लिए है। और ये जो इन्फ्यूज़न पंप है वो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से और भी इन्फ्यूज़न जो पंप है वो सेट हो सकते हैं, ठीक है, जिसे सिरिंज पंप भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, अगर हम लोग इसे इस तरह से घुमाते हैं तो यहाँ पे और भी इन्फ्यूज़न पंप इसके कनेक्शन में आ जाएंगे। यानी 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से उसे हम लोग लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कितना भी खींचे, कितना भी निकाले तो इन्फ्यूज़न पंप वहाँ से नहीं निकलता है, ठीक है, इस तरह से आराम से लॉक हो जाता है। तो लॉक करने के लिए पीछे से है कि एक और ऊपर रख दिए, फिर यहाँ से उसे लॉक कर दिए इस तरह से रोटेट करके, ठीक। और ये जो है इसका वायर है, जो कि हम लोग जो है मेन स्विच से, जो वहाँ पे मेन कनेक्शन होता है वहाँ पे हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और आराम से ये जो है मशीन चलती रहेगी। और ये जो पंप है वो बैटरी, इस तरह से अलार्म अगर बजता है तो इसे हम लोग ऑफ़ भी कर सकते हैं। और ये जो है चार्जेबल होती है, यानी चार्ज कर देंगे तो कुछ टाइम तक ये हमारी चलती है। तो यही हमारा इन्फ्यूज़न पंप है और इसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा ही होता है, चाहे वो बच्चों के केस में हो या फिर ऑपरेशन के बाद हो या फिर आपका एनेस्थीसिया के टाइम हो या फिर कहें तो आईसीयू में, सीसीयू में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही होता है। या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, यानी हार्ट सर्जरी जो होती है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है, किडनी सर्जरी हो गई या फिर आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट, तो ऐसी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं जिसमें कि बहुत ही प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को, तो उसके लिए इन्फ्यूज़न पंप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू आप सारी इमरजेंसी ड्रग्स को या फिर जो भी ड्रग्स जैसे डोपामिन वगैरह, एडीआर, नॉन एडीआर, जो भी मेडिकेशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं टाइम ड्यूरेशन में, यानी 1 घंटे में कितना ml देना है, तो वो आप सेट कर सकते हैं और ये अपने आप डिलीवर होते रहेगा पेशेंट के बॉडी में। इससे बहुत ज़्यादा ही आसानी होती है क्योंकि बार बार जो है आप पेशेंट को दर्द नहीं दे रहे होते हैं। यानी कि आपको जो है 1 ml अभी देना है, फिर 1 घंटे बाद देना है, फिर 2 घंटे बाद देना है, तो आप कितने बार इंजेक्शन देंगे, तो उसे भी परेशानी होगी, आपको भी होगी। तो आप जो है इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से इन्फ्यूज़न पंप का यही काम है।
और इसको जो है अच्छे से सेट करके भी एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल बेसिक सा जान जाइए कि ये हमारा इन्फ्यूज़न पम्प है, इस तरह का सीरिंज पम्प होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम लोग वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय।